हाय देयर, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द फेजर कोर्स। दिस इज लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में हम देखेंगे स्प्राइट शीट और टेक्सचर एटलिस्ट को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने एनिमेशन जो है वो क्रिएट की थी, लेकिन उसमें जितने फ्रेम्स थे वो सारे सेपरेट इमेजेस थी। ठीक है, हम उन सब सेपरेट इमेजेस को हमने लोड किया था और उससे हमने एनिमेशन क्रिएट की थी। ठीक है, सो देखते हैं स्प्राइट शीट क्या होता है। कि स्प्राइट शीट हम डिफरेंट फ्रेम्स को एक सिंगल इमेज के अंदर रख देते हैं। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दिस के हमारे पास हर फ्रेम जो है वो एक सेपरेट इमेज हो, हम एक ही इमेज के अंदर डिफरेंट फ्रेम्स रख देते हैं। ठीक है, सो इसमें जितने फ्रेम्स होते हैं हमारे पास, उन सब की क्या होती है, वेट्स और हाइट सेम होती है। ठीक है, ग्रिड फॉर्मेट के अंदर पड़े होते हैं, उन सबको हम लोड कर लेते हैं। ठीक है, सो उससे हम एनिमेशन अपने क्रिएट करते जाते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट एनिमेशन हम एक सब फाइल में भी रख सकते हैं और एक फाइल में सिर्फ एक एनिमेशन भी रख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ओनली डिपेंड अपॉन। ठीक है, सो के हम क्या चाहते हैं, किस तरह हम अपनी गेम को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, सो इससे हमारे पास क्या एक बेनिफिट होता है, वो ये कि अगर मेरे पास एक बर्ड की एनिमेशन है फ्लाई करने की, ठीक है, उसमें मेरे पास 10 फ्रेम्स हैं, तो पहले क्या हो रहा था, वो 10 फ्रेम्स एक 10 डिफरेंट इमेजेस थी। जब भी मैं उनको लोड करूंगा तो मैं 10 सेपरेट इमेजेस लोड करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंगल इमेज लोड कर रहा हूँ, उस एक सिंगल इमेज के अंदर 10 क्या है मेरे पास, डिफरेंट फ्रेम्स हैं। अब इससे ये तो होगा कि इस इमेज का साइज तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कम हो जाएंगी। ठीक है, सो जब भी हम कोई फाइल लोड करते हैं या कोई भी चीज़ लोड करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, ठीक है, सो उसकी क्या होती है, बैकएंड के सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जा रही होती है। ठीक है, वो सर्वर क्या करता है, उस फाइल को उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, उसके ऊपर फिर रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा होगी तो उससे भी सर्वर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स आर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो हम अपनी जो है वो गेम को इम्प्रूव करते हैं जिससे हम सिर्फ एक ही फाइल लोड करते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस के मल्टीपल फाइल्स लोड करें। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास कोई इमेज है, कोई प्लेयर है, उसकी एनिमेशन है, ठीक है, उसके टोटल अगर हम फ्रेम्स देखें तो वो हमारे पास हंड्रेड्स में बन जाते हैं, तो उसको 100 फ्रेम्स लोड करने के बजाय, 100 रिक्वेस्ट सेंड करने के बजाय, हम एक सिंगल रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, उसमें एक इमेज लोड कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट्स अ बेनिफिट। ठीक है, सो इसके कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं हमारे पास, जिस तरह मेमोरी यूजेज है वो भी कम हो जाती है, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, टेक्सचर जो है वो स्विचिंग कम हो जाती है। अब सिंगल एक टेक्सचर होता है लेकिन उसमें फ्रेम्स स्विचिंग हो रही होती है लेकिन टेक्सचर स्विचिंग नहीं होती। ठीक है, और एसेट मैनेजमेंट भी जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, सिंप्लीफाइड हो जाती है, क्योंकि जब हमने 100 फ्रेम्स लोड करने हैं तो उस पर हमें 100 लाइन लिखनी पड़ेंगी, दिस आर लोड डॉट इमेज, दिस आर लोड डॉट इमेज, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल दिस द लोड डॉट स्प्राइट शीट। ठीक है, सो दैट्स अ बेनिफिट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है टेक्सचर एटलिस्ट। सो ये इससे भी स्प्राइट शीट से एक एडवांस चीज़ है। इसमें क्या होता है कि अब हम अपनी जितनी भी इमेजेस हैं, इसमें हमें कोई कंडीशन नहीं है कि फ्रेम की विड्थ और हाइट सेम होनी चाहिए, इसमें जितनी भी इमेजेस हैं उन सब इमेजेस को हमने क्या कर लेना है, लोड कर लेना है, उस सब इमेजेस को एक ही इमेज के अंदर कंबाइन करके उसको लोड कर लेना है। ठीक है, सो मल्टीपल इमेजेस को कंबाइन कर देना और उनको लोड करना। ठीक है, सो इससे क्या होगा, हमारी पूरी की पूरी गेम को जितनी भी इमेजेस चाहिए होंगी वो सारी इमेजेस एक ही एक ही फाइल होगी। ठीक है, उस एक फाइल को हम सिर्फ लोड करेंगे। ठीक है, सो चाहे वो स्प्राइट शीट हो, जो भी चीज़ें हों, वो सारी हम एक ही क्या करेंगे, फाइल के अंदर रख देंगे और उस एक फाइल को हम लोड करेंगे। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। सो इसके भी काफ़ी हमारे पास फायदे हैं, ड्रॉ सेल्स कम हो जाते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, टेक्सचर स्विचिंग कम हो जाती है, और लोडिंग सिंगल फाइल, सिर्फ हमने एक ही सिंगल फाइल लोड करनी है अपनी तमाम इमेजेस के लिए। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट इन द कोड। तो ये हमारा प्रीवियस कोड है जिसमें हमने इमेज को लोड कर, बर्ड की हमने एनिमेशन बनाई थी, लेकिन हम सारे फ्रेम्स जो हैं वो डिफरेंट लोड कर रहे थे। ठीक है, सो डिफरेंट इमेजेस थी हमारे पास। ठीक है, सो इस चीज़ को अगर देखना हो तो वो किस तरह रिक्वेस्टें जा रही हैं, तो ये आप अपनी गेम के ऊपर जाएँ। सो इसमें नेटवर्क टैब होगा, नेटवर्क टैब में अगर आप जाएं तो ये देखेंगे कि ये डिफरेंट क्या हो रही है, सेपरेट रिक्वेस्ट जा रही है हमारे पास सर्वर के ऊपर, सर्वर उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, वो इमेज उसको देता है। ठीक है, सो इससे क्या होगा, हमारे पास सब 12 रिक्वेस्टें गई हैं। ठीक है, तो 12 रिक्वेस्ट जाएं वो बेहतर है कि हमारे पास एक सिंगल रिक्वेस्ट जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, सो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, जिससे हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो लेट्स सी इन द कोड हाउ वी कैन डू इट।
सबसे पहले हमारे पास ये एक एनिमेशन है, ठीक है, एक्सप्लोजन की एनिमेशन है। इसमें हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह प्ले आउट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं जाऊंगा स्प्राइट शीट को लोड करूंगा, दिस डॉट लोड डॉट स्प्राइट शीट, ठीक है। इस स्प्राइट शीट का मैं एक नाम रख देता हूँ एक्सप्लोजन, ठीक है। और इसका मुझे क्या करना है, यूआरएल पास करना है, ठीक है, एक्सप्लोजन डॉट पीएनजी, ठीक है। और इसके बाद इस जगह पे मुझे बताना है फ्रेम विड्थ और फ्रेम हाइट, ठीक है। अब ये किस तरह कैलकुलेट होंगी, ये सिंपल, इसमें आपने क्या करना है, जितना आपकी टोटल विड्थ है इमेज की उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स इन दी एक्स एक्सिस, ठीक है, सेम फॉर दी वाई, ठीक है। मेरे पास टोटल जो है वो विड्थ है 248, 2048, ठीक है, उसको डिवाइड कर दूंगा 4 पे, और 1236 उसको डिवाइड कर दूंगा 3 पे, क्योंकि वर्टिकली में 3 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह लोड कर सकते हैं, ठीक है। लेट एक्सपो एक्सप्लोजन इज इक्वल टू दिस डॉट एट डॉट स्प्राइट, ठीक है, 2000 by 4000, ठीक है, एक्सप्लोजन, ठीक है। अब इस चीज़ में पहले तो हमने बता दिया टेक्सचर, ठीक है, कि कौन सा मैं टेक्सचर यूज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा फ्रेम, अगर मैं नहीं बताऊंगा बाई डिफॉल्ट वो जीरो पिक कर लेगा, तो अगर मैं बता दूंगा तो ही विल पिक एनी ऑफ दी स्प्राइट, ठीक है। वो उस स्प्राइट के अंदर जौन सा भी हम मैं बताऊंगा उसको फ्रेम नंबर, वो उस फ्रेम नंबर को पिक कर लेगा, ठीक है। भी मैंने बताया 3 को, तो वो 3 को क्या कर लेगा, पिक कर देगा। हेयर यू कैन सी, इसने क्या किया, 3 वाले फ्रेम को पिक कर लिया, ठीक है। मैं जिस फ्रेम को बताऊंगा, जिस फ्रेम का कहूंगा, वो उस फ्रेम को पिक कर लेगा। अगर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट जो है 0 को पिक कर लेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एनिमेशन हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जब हमने एनिमेशन क्रिएट की थी तो ये सारे फ्रेम्स हमने मैनुअली ऐड किए थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दिस डॉट एनिम्स डॉट क्रिएट, ठीक है, की, ठीक है, एक्सप्लोजन अंडर स्कोर एनिमेशन, ठीक है। इसमें मुझे जब फ्रेम्स बताने हैं ना, फ्रेम्स, ठीक है। एक तो तरीका ये है जो हमने ऊपर किया है, इसी तरह मैं सारे बताऊं, ठीक है। और इस जगह पे मैं क्या बताता जाऊँ, फ्रेम, ठीक है, फ्रेम 0, ठीक है, इसी तरह इधर वो, क्योंकि टेक्सचर तो सेम होगा, ठीक है, इसका फ्रेम फ्रेम क्या हो जाएगा, फ्रेम 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मैं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह नहीं करना क्योंकि ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। हमारे पास फेजर के अंदर एक फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ये सारे फ्रेम्स गेट करने के लिए, ठीक है। दिस डॉट एनिम्स डॉट जनरेट फ्रेम नंबर, ठीक है, इसमें आपने फाइल का नाम बताना है। उसके बाद आपने वो कन्फिग्रेशन बतानी है कि इसको स्टार्ट आप कहाँ से करना चाह रहे हैं, 0 से, एंड कहाँ पे करना चाह रहे हैं, 11 पे, ठीक है। टोटल मेरे पास 12 फ्रेम्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ फ्रेम रेट 30, ठीक है। इसमें अगर आप कुछ एक स्पेसिफिक भी डिफाइन करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, यानी इधर से लेके इधर तक एनिमेशन प्ले कर दो, मैं कहता हूँ 1 से लेके 7 तक कर दो, 8 तक कर दो, तो जहाँ तक भी मैं करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर नहीं बताएंगे तो वो क्या करेगा, सारे के सारे फ्रेम्स पिक कर लेगा यहाँ 0 से लेके एंड तक, ठीक है। दैट्स द थिंग, ठीक है। और अब इसको हम प्ले करते हैं, ठीक है, एक्सपो डॉट प्ले, प्ले एक्सप्लोजन, ओके, राइट। अब अगर हम देखें इसको, ओके, एक्सप्लो, आई थिंक, ओके, एक्सप्लोजन एनिमेशन, सॉरी, ओके। अभी आपने देखा है वो किस तरह एनिमेशन जो है वो प्ले आउट हुई है, ठीक है। उसमें उसने सारे फ्रेम्स जो है वो प्ले कर दिए हैं, ठीक है। ये चीज़ थी हमारे पास, जिसमें अभी ये जो स्प्राइट शीट थी इसमें सिंपल हमारे पास एक ही क्या था, एक ही इमेज थी, उसके अंदर हमारे पास सारे फ्रेम्स थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, एक स्प्राइट शीट है मेरे पास, ये इसमें क्या है, डिफरेंट एनिमेशंस हैं डिफरेंट बर्ड्स की, ठीक है। इसको अब हम किस तरह लोड करेंगे, ठीक है। ये भी सेम ही है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। दिस डॉट लोड डॉट लोड आर स्प्राइट शीट, ठीक है। मैं कहता हूँ बर्ड्स, ठीक है, और स्लैश वन, स्लैश वन डॉट png, ठीक है, फ्रेम विड्थ, ठीक है, इसकी फ्रेम विड्थ जो है वो आई नो, ठीक है। फ्रेम हाइट,
ठीक है, तो आप जिस तरह टोटल कैलकुलेट करते हैं तो वो उस तरह आपने कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। ओके सो हमने बर्ड्स लोड कर लिए, अब हमने क्या करना है, इस बर्ड को ऐड करते हैं। लेट्स बर्ड इज इक्वल टू दिस, इसको मैं नेम चेंज कर देता हूँ माई बर्ड, ठीक है, दिस डॉट एड डॉट सरप्राइज, ठीक है, 50 by 400, ठीक है, और इस पर हम लिख देते हैं बर्ड्स, ठीक है, और इस पर मुझे कौन सा फ्रेम लोड करवाना है वो मैं फ्रेम बता दूंगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैच जो है ये रेड वाला बर्ड जो है वो प्ले करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मुझे फ्रेम बताना पड़ेगा, तो ये क्या है, 0 1 2 3 4, सो 4 5 6, ठीक है, ये 6 है, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, 6 multiply by 12, टोटल मेरे पास 12 फ्रेम्स हैं, ठीक है, उसमें से मैं -1 कर दूंगा, क्योंकि ये रूल है कि 1 जो है वो कम ही होता है, ठीक है। सो ये चीज़, तो ये क्या करेगा, माई बर्ड को ऐड कर देगा। सो लेट्स सी, ओके, ये बर्ड हमारे पास ऐड हो गया, लेकिन उसका फ्रेम जो है वो करेक्ट ऐड नहीं हुआ, ठीक है। इसको अगर मैं, ठीक है, ओके, सो 6 cross of, लेट मी सी कि उसने कौन सा फ्रेम लोड किया है, ये वाला फ्रेम लोड किया, ठीक है, ओके, इसको आई थिंक -1 नहीं करना पड़ेगा, देख लेते हैं, ओके राइट, सो ये वाला फ्रेम लोड हो गया हमारे पास, ये वाला, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, एनिमेशंस बनानी है और उन एनिमेशंस को हमने प्ले करना है, ठीक है। सो मेरे पास टोटल जो है ना वो बर्ड जो है वो 12 हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ आई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन 12, आई प्लस प्लस, ठीक है, और दिस डॉट एनिम्स डॉट क्रिएट, ठीक है, और की एनिम्स, ठीक है, इसमें प्लस कर देता हूँ अंडरस्कोर बर्ड्स अंडरस्कोर एनिम, ठीक है, प्लस कह देता हूँ आई, ठीक है, देन फ्रेम्स फ्रेम्स, ठीक है, दिस डॉट एनिम्स डॉट जनरेट फ्रेम नंबर्स, ठीक है, और बर्ड्स, ठीक है, और इसमें मुझे क्या बताना पड़ेगा, स्टार्ट, ठीक है, स्टार में कहता हूँ आई स्टार 12, ठीक है, और एंड आई स्टार 12 प्लस 12 -1, ठीक है। सो ये इस तरह होगा हमारे पास, ठीक है, आई थिंक ठीक है। इसके बाद हम फ्रेम रेट्स डिफाइन कर देंगे, 30 मे बी 20s, ओके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस बर्ड का माई बर्ड डॉट प्ले, ठीक है, और इसके ऊपर मुझे बर्ड्स, ठीक है, एनिम, और आई थिंक इसके ऊपर मुझे 6 वाली प्ले करनी है, ठीक है। सो करेक्टली वो वर्क कर रही है, ठीक है। इसको अगर मैं क्या कर दूँ, रिपीट -1 कर दूँ, तो वो इस तरह चलना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। सो दैट्स द थिंग, ठीक है। अब हमने स्प्राइट शीट लोड कर दिया, ठीक है। सो ये तो बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। अब जो टेक्सचर एटलीस्ट ना, ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज़ आ जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ना हमारे पास इस तरह कुछ एक इमेज होती है, ठीक है। आप भी इस तरह की कोई इमेज बना सकते हैं, ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आपने सिंपल क्या करना है कि एक पेरेंट इमेज ले लेनी है, सारी इमेजेस को उधर ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहना है, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो है जेसन फाइल, ठीक है। आपको एक जेसन फाइल भी साथ बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसको अगर मैं फॉर्मेट करूं, ठीक है, सो ये सारी जो है ना वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, ठीक है। सो ये किस तरह है, इसमें पहले एक फ्रेम्स के नाम से है, ठीक है, हमारे पास उस फ्रेम्स के अंदर, और ये कुछ मेटा इंफॉर्मेशन है, इस चीज़ को आपने ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद ये इमेज, ये हमारे पास आएगा फाइल, ठीक है, फाइल नेम, ये कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास आएगा फ्रेम की विड्थ और हाइट और एक्स और वाई पोजीशन, और इसकी ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आएंगी, ठीक है। सो ये चीज़ें आपने सारी, ये एक फ्रेम की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस जगह पे मेरे पास ये है मेरे पास एक्वा बॉल, ठीक है। सो इसको अगर मैं जाऊँ इस जगह पे देखूँ, तो ये कोई बॉल होगी मेरे पास, एक्वा बॉल कौन सी हो सकती है,
इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक्सपोजिशन है 985, ठीक है, 985, ठीक है, ये 985। और इसमें मेरे पास हाइट कितनी है, 764, ये इस जगह पे कोई होगी मेरे पास, आई थिंक ये वाली बॉल्स हैं हमारे पास, हाँ मे बी, ठीक है। सो इस तरह आपने ये सारी चीज़ों को इस तरह रखना है, ठीक है, इसमें ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें। सो ये अगर आप मैनुअली बनाए तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। सो इसके लिए डिफरेंट टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं, इंटरनेट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, फेजर 2D एडिटर के नाम से एक बेसिकली टूल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो ऑफिशियली फेजर की तरफ से नहीं है, लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ बग्स वगैरह हैं, लेकिन फिर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रह जाता है डिफरेंट चीज़ों के लिए, ठीक है, इस तरह के कामों के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। सो ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट लोड डॉट टेक्सचर एटलिस्ट, ठीक है, और उसके अंदर हमें क्या बताना पड़ेगा, दो चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें की बतानी पड़ेगी, की मैं बता देता हूँ, मेरे पास लेट्स सपोज मेटा मेगा सेट, ठीक है, मेगा सेट, ठीक है। उसके बाद मुझे इधर कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, ठीक है, इसमें यूआरएल बताना है, ठीक है, यूआरएल आई थिंक टेक्सचर यूआरएल, ठीक है, ठीक है। सो इसमें मुझे टेक्सचर यूआरएल बताना है, टेक्सचर यूआरएल क्या है, स्लैश मेगा सेट डॉट png और उसके बाद स्लैश मेगा सेट डॉट json, ठीक है। सो ये दो चीज़ें आपने बता देनी है, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका एटलस लोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, ठीक है, इस तरह आपने लोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने उस एटलस को इस तरह भी लोड कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद आपने कोई भी चीज़ जो यूज़ करनी हो ना, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस डॉट एड डॉट इमेज, ठीक है, सो मेगा सेट, ठीक है, और इसके आपने क्या बता देना, इधर फ्रेम बता देना है, कौन सा फ्रेम अपलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इसको आप नाम के ज़रिए भी फ्रेम रेफ़र कर सकते हैं किसी एक का, ठीक है, या अगर आप 012 भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो मेगा सेट सही है, बहुत ज़्यादा ही जायका आ गया। ओके, सो लेट्स सी, सो इसमें मेरे पास इशू आ रहा है, ठीक है। सो इशू आई थिंक इधर से ऊपर है मेरे पास, क्योंकि इधर इमेज के नेम जो है वो मैंने गलत ऐड किए, ठीक है। तो -0 एंड जैसन -0, ठीक है। तो अब ये जो क्यूब है ना, ये ज़ीरो फ्रेम पे पड़ा हुआ था, तो वो हमारे पास लोड हो गया है, ठीक है। सो इसको अगर हम देखें इस जगह पे,
तो ये जो था ये ज़ीरो पे पड़ा हुआ था, फ्रेम नंबर ज़ीरो ये था, ये वाला लोड हो गया, ठीक है। सो इस तरह अगर फ्रेम नंबर वन लोड करना हो, फ्रेम नंबर टू लोड करना हो, तो वो भी आप लोड कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल किधर गया, ठीक है ये। सो इधर अगर मैं वन लोड करूँ, टू, ओके, इसमें ओके राइट। सो वो ये कह रहा है कि देर इज़ नो फ्रेम विद द नेम 10, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका नाम पास करना पड़ेगा किस फ्रेम को हम लोड करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो इसी को लोड कर रहा है, ये 30x30 का जो क्यूब है इसको, ठीक है। अगर आपने किसी और को लोड करना है तो उसका फ्रेम नेम बताना पड़ेगा आपको, फाइल नेम, ठीक है। सो इधर वो काउंटिंग से नहीं काम चलेगा, ठीक है, लाइक अ स्प्राइट शीट जिस तरह हम उसमें काम करते थे, ठीक है। सो उसमें 0 1 2 कर सकते थे, ठीक है। सो ये मेरे पास ए लोड हो गया, ठीक है। सो इस तरह अगर मुझे स्प्राइट शीट लोड करनी है जो इसके अंदर पड़ी हो, ठीक है, तो इसी तरह आप किसी भी चीज़ को उसके नाम के साथ लोड कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं ढूंढ रहा हूँ कोई स्प्राइट शीट जिसको हम लोड कर सकें, ठीक है, जिसमें डिफरेंट हमारे पास फ्रेम्स हों। इसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें जो भी आप लोड करना चाहते हैं उसको अपने उसके नेम के साथ लोड कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर आई थिंक इसमें शायद कोई भी मेरे पास स्प्राइट शीट नहीं है। ये जो बेसिकली ये जो जेसन फाइल और ये जो PNG फाइल है ना, ये मैंने फेज़र की एग्जांपल से डाउनलोड की है, ठीक है। कि मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ आपको, ठीक है। ये मेरे पास ज़ूमबी वाली शायद हमारे पास एक स्प्राइट शीट है, वो ये इधर आनी चाहिए, ठीक है। सो बट इट्स नॉट शोइंग हेयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कोई भी लोड करना चाहें तो वो आप लोड कर सकते हैं इधर से, ठीक है। सो अगर आपने इन चीज़ों के बारे में मज़ीद एक्सप्लोर करना है तो आप ना फेज़र की एग्जांपल्स जो जाके देख सकते हैं, ठीक है। उनकी जो ऑफिशियल जो एग्जांपल्स हैं उधर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। सो मैं जो उनमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यानी किस तरह हम टेक्स्चर एडिटर यूज़ कर सकते हैं, किस तरह फेज़र किस तरह हम स्प्राइट शीट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, किस तरह ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं किसी एक गेम के अंदर, ठीक है। सो वो चीज़ें जो हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। सो इसमें मेरे ख्याल से वो सारे फ्रेम्स जो है ना वो अलग अलग हैं मेरे पास, जिस तरह ये स्पिन ऑब्जेक्ट 4 है, स्पिन ऑब्जेक्ट 5 है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें सेपरेट सेपरेट फ्रेम्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने एनिमेशन बनानी है तो उन सब फ्रेम्स को इकट्ठा करके पास करना पड़ेगा, किस तरह जिस तरह हमने ये वाला काम किया, ठीक है। इस तरह की पास करनी पड़ेगी और उसके बाद कोमा लगा के आपको फ्रेम बताना पड़ेगा, और फ्रेम इधर फ्रेम नाम फ्रेम का नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिस तरह स्पिन वो वाला करके, ठीक है। सो आई होप कि आप ये कर लेंगे। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम देखा है कि किस तरह हम स्प्राइट शीट को यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्चर एटलस को यूज़ कर सकते हैं फेजर के अंदर, ठीक है। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।